हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सूप मोमोज, वो भी घर पे बहुत मज़े के और इतना इजी तरीका है। इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, आइए चलते हैं। सूप मोमोज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो मोमोज़ की ज़रूरत होगी, और ये मोमोज़ जो हम बना रहे हैं बिल्कुल हेल्दी वर्जन है मोमोज़ का। ट्रस्ट मी, आप ये मोमोज़ ट्राई कर सकते हैं, इतने मज़े के होते हैं और बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि इतना हेल्दी वर्जन मोमोज़ का बनकर तैयार हो सकता है। तो ये मोमोज़ की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, हमने पहले से ही अपलोड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो हमने यहाँ वहाँ पर अपलोड कर दी। और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो को देखिए। तो मोमोज़ हमने सारे तैयार कर लिए थे और उन्हें स्टीम भी कर लिया है। यहाँ पर हम आपको सिर्फ मोमोज़ का सूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाला है, जिसमें हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाला है। इसे 1 से 2 मिनट तक के सॉटे किया है, उसके बाद इसमें हम अनियन डालेंगे। और याद रखें, इसमें जो भी सब्ज़ियाँ आप ऐड करें बिल्कुल बारीक चॉप होनी चाहिए, क्योंकि सूप है तो इसमें बिल्कुल बारीक सब्ज़ियाँ रहेंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च भी हमने चॉप किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने चॉपर में चॉप की हैं, इसीलिए इतनी अच्छी से महीन से चॉप हो गई हैं। इन सबको डालने के बाद इसमें आप जो भी वेजीज ऐड करना चाहें, हमने यहाँ पर कैबेज ऐड किया है, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक के सॉटे करेंगे ताकि थोड़ी सी वेजीज है वो गल जाएँ। और आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी और भी वीडियोस आगे देखने को मिलती रहें। जब तक ये सॉटे हो रही हैं तब तक कि हम यहाँ पे हमने 1 टीस्पून करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे घोल लेंगे ताकि जो हम इसे सूप में यूज़ करेंगे, सूप में इससे जो क्या होता है थिकनेस आती है, तो ये हमें सूप में यूज़ करना है। इसे हमने अच्छी तरह से यहाँ पे घोल लिया है, कायदे से इसे घोलना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएँ। तो ये जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो भी हमारी रेडी हो गई है, इसे हम एक साइड पे रखते हैं। इसके बाद जो हमने वेजीज़ यहाँ पे सॉटे की थी उसमें हम ये मोमोज़ वाली चटनी ऐड करेंगे। ये चटनी घर पे बनाना बहुत आसान है, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। 1 टीस्पून करीब हमने मोमोज़ की चटनी ऐड की है, और 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें हमने पानी ऐड किया है, जितना भी सूप आपको रखना है उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। एंड देन हमने इसमें ऐड की है फिलिंग, मोमोज़ की जो हमने बनाया था उसकी फिलिंग ऐड की है, और उसके साथ ही जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी थी वो ऐड कर दिया है। अब इसे हम कुक होने देंगे, बॉयल आ जाएगा तब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड किया है, आप चाहें तो अलग से भी कुछ मसाले आते हैं मोमोज़ वगैरह के तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट सिंपली बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो आपको स्टीम मोमोज़ ऐड करने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फ्राइड मोमोज़ भी ऐड कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है, जैसा भी आपको खाना पसंद हो, लेकिन हमने यहाँ पे स्टीम मोमोज़ ऐड की है, और इसकी रेसिपी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, बहुत मज़े के थे तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक सारे जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये इसको 1 से 2 बॉयल आने तक हम कुक करेंगे, उसके बाद एकदम ये रेडी है सर्व करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए मेरे मोमोज़ जो हैं वो एकदम रेडी हो गया है मोमोज़ सूप, तो इसे हम सर्व करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। और ये हमारे जो मोमो सूप हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, बहुत ही यम्मी, बहुत मज़े के थे। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।